नमस्कार दोस्तों, अभी हम गुराला गांव के पास खड़े हैं जो कि बरोट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी यहां पर कुछ ही दिन पहले, लगभग एक हफ्ता पहले, यहां पर कुछ शिवलिंगों की खोजी हुई है एक गुफा के अंदर, जिसकी वजह से ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है। अभी हम बिल्कुल सड़क के पास खड़े हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे सड़क है और शिवलिंग यहाँ से लगभग 2 मिनट की दूरी पर है, यानी कि बिल्कुल नज़दीक है। तो चलिए आप भी हमारे साथ उन शिवलिंगों के दर्शन कर लेते हैं, तो चलिए चलते हैं। ये जो आप पेटियां देख रहे हैं, इनमें बहुत सारी मधुमक्खियां हैं जो कि शहद इकट्ठा करने के लिए रखी गई हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, लेकिन अगर आप आराम से चलेंगे और इनको छेड़ेंगे नहीं तो ये आपको नहीं काटेंगी। ये पुरानी बिल्डिंग असल में एक घराट था। घराट का मतलब पानी से चलने वाली आटा चक्की। हिमाचल में आपको आज भी कई जगहों पर घराट मिल जाएंगे। तो देखिए, ये रही वो सड़क और वो रास्ता जहाँ से अभी हम आए हैं। और इस घराट से गुजरने के बाद ये जो आपको सामने लोग दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर है वो पवित्र शिव गुफा। तो आप देख सकते हैं कि शिव गुफा सड़क के काफ़ी नज़दीक है। शिवलिंगों के दर्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और कुछ श्रद्धालुगण दर्शन करके वापस भी लौट रहे हैं। गुफा तक पहुँचने के लिए आपको एक छोटी सी जलधारा को क्रॉस करना होगा। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। आसपास के इलाकों से दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग और देखिए बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। अभी हम शिवलिंगों के पास पहुंच चुके हैं। छोटी सी गुफा है जहां पर छोटे छोटे शिवलिंग है, तो नज़दीक से आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए भोले बाबा के दर्शन कर लेते हैं। और ये रही सबसे इंटरेस्टिंग बात, गुफा में कई जगहों पर एक एक बूंद करके पानी टपक रहा है और ये शिवलिंग बिल्कुल उन टपकते पानी की बूंदों के नीचे बने हुए हैं। राइट साइड के शिवलिंग में आप देख सकते हैं कि शेषनाग जी की मूर्ति भी बनी हुई है। टपकते पानी की बूंदों की वजह से शिवलिंगों के ऊपर छेद पड़ गए हैं, इससे पता चलता है कि ये शिवलिंग काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। अभी तो यहाँ पर काफ़ी तामझाम है, श्रद्धालुगणों ने कुछ प्रसाद चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं और कुछ रुपये भी चढ़ाए हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप एक हफ्ता पहले इस जगह पे आते तो इनमें से आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती, सिर्फ गुफा और शिवलिंग ही मिलते। जैसे ही किसी एक आदमी ने नोटिस किया कि ये तो शिवलिंग की तरह लग रहे हैं, तो ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और यहाँ पर लोगों का जमघट लग गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर 5 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जिसमें से कि एक थोड़ा बड़ा है और बाकी 4 छोटे हैं। तो दोस्तों, आपने भी मेरे साथ साथ शिवलिंगों का दर्शन कर लिए होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबसे अलविदा चाहूँगा। नमस्कार।